नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं, ग्रैंड स्लैम। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ये ग्रैंड स्लैम है, ये हर साल चार इम्पोर्टेंट जो है एनुअल टेनिस टूर्नामेंट आयोजित करता है। तो ये जो ग्रैंड स्लैम है, ये हर बार पूछते हैं। तो मैंने आपको इस बार 2020 में जो अवार्ड हैं, जो ग्रैंड स्लैम हो चुके हैं इस साल के कंप्लीट, मैं उनको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा। इसमें मैं आपको जो मेंस में कौन जीता है, वुमेंस अवार्ड में कौन जीता है, जीता हुआ है, विनर है और रनर अप। ज़्यादातर एग्ज़ाम में देखा गया है विनर और रनर अप को पूछा है। किसमें सिंगल्स मेंस, यहाँ पर सिंगल मेंस होता है, एक डबल होता है, एक मिक्स होता है। तो यहाँ सिंगल मेंस और सिंगल वुमेंस का मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। एग्ज़ाम में बहुत ही रेयर चांस होता है कि वो डबल का पूछे। डबल में आप उसको देख सकते हैं 2020 में कौन जीता है। मैं आपको यहाँ पर मेंस और वुमेंस में सिंगल जो होता है उसको यहाँ मैं बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको 2019 में भी जो ग्रैंड स्लैम में जो विनर हुए हैं वुमेंस में एमेंस में, मैं आपको उसको भी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। क्योंकि अभी के एग्ज़ाम में जो भी पेपर हुए हैं, अभी आपने इस महीने पेपर जो भी हुए हैं स्टेट के, सेंटर के, SSC हो गया या फिर कोई स्टेट का पेपर हो गया, उसमें आप देख रहे होंगे कि 2019 के भी अवार्ड्स को पूछ रहा है। तो इसीलिए मैं 2019 के भी अवार्ड्स को आपको बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चार बहुत ही महत्वपूर्ण टेनिस टूर्नामेंट हैं जो कि हर साल होते हैं, अब आप इनके क्रम को ध्यान रखिएगा। इनके क्रम है, ये इसी क्रम में हर साल आयोजित होते हैं। इस साल कोविड-19 की वजह से सिर्फ एक जो है टेनिस जो है ग्रैंड स्लैम में, एक है विंबलडन, ये जो है नहीं हो पाया है। विंबलडन जो है आपका वो होता है यूनाइटेड किंगडम में, लंदन में, वो इस साल कोविड-19 की वजह से नहीं हुआ है। 2021 में ये विंबलडन जो है वो अपना होगा, उस वो होगा, पर इस बार नहीं हुआ है। तो ये जो भी ग्रैंड स्लैम है, इनका एक क्रम है, सीक्वेंस है, ये इसी सीक्वेंस में होते हैं। और जो ये शॉर्ट ट्रिक है, आप इसी सीक्वेंस में याद रहेगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको एग्ज़ाम में क्लिक कर जाएगा कि फ्रेंच में कौन जीता, ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीता, US ओपन कौन जीता। बस आपको ये सीक्वेंस को देखना होगा। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन कब होता है, मिड जैन में, ठीक है। ये कहाँ पर खेला जाता है, हार्ड कोर्ट में। मैं आपको इसमें इम्पोर्टेंट जो भी पूछते हैं क्वेश्चन वही बताते जाऊँगा। ये आप याद रखिएगा, पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है कब होता है, मिड जैन में, और हार्ड कोर्ट में जो है ये आयोजित होता है। दूसरा है फ्रेंच ओपन, ये कब होता है, मई एंड जून के बीच में होता है, और ये भी हार्ड कोर्ट पर होता है। थर्ड है विंबलडन, ये होता है जून एंड जुलाई में, और ये क्ले पर होता है। फोर्थ है US ओपन, ये होता है अगस्त एंड सितंबर के बीच में, और ये ग्रास पर खेला जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, US ओपन जो है ग्रास पर खेला जाता है। ये पूछता है उसमें से कि जो चार इंपॉर्टेंट ग्रैंड स्लैम है उसमें से किस पर, ग्रास पर वो है टेनिस को खेला जाता है। तो ये है US ओपन। अब हम आते हैं 2020 में जो इस बार के अवार्ड्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि 2020 में जो है अवार्ड जो है जितने हुए हैं इसमें, उसको हम देखेंगे यदि, तो मेंस में पहले आते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन में। हाँ, तो अब ये कैसे याद रखेंगे कि हम कि पहले ऑस्ट्रेलियन आता है फ्रेंच, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलियन जो है ओपन, कोई भी अल्फ़ाबेट जो है वो किससे स्टार्ट होता है, ए से, फिर उसका एफ़ आता है। तो आपको तो याद रहेगा पहला ए से ऑस्ट्रेलियन, एफ से फ्रेंच ओपन। बस आपको ये याद रखना है कि इसके बाद
विंबलडन होता है, फिर लास्ट में यूएस ओपन होता है। तो AFWU ऑस्ट्रेलियन फ्रेंच विंबलडन एंड ये आपका हो जाएगा यूएस ओपन। तो ये इसके अवार्ड्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो 2020 हुआ उसमें मेंस अवार्ड कौन जीता। तो जल्दी जल्दी मैं आपको बताता हूँ 2020 के और 2019 के, फिर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक लास्ट में बताऊँगा और वो शॉर्ट ट्रिक आप लास्ट वीडियो में देखेगा, आपको वीडियो पसंद आएगा। तो आप जैसा देख सकते हैं ऑस्ट्रेलियन जो ओपन है 2020 का मेंस में वो कौन जीता है, तो आप देख रहे हैं उसका नाम है नोवाक जोकोविक। तो ये हैं इसके विनर। अब नोवाक जोकोविक हैं ये रनर हैं, और रनर अप कौन थे, रनर अप आपके थे डोमिनिक थियम। ये भी एग्ज़ाम में पूछता है रनर अप कौन है, डोमिनिक थियम। और वुमेंस में कौन जीता, सोफिया केनिन। ये कहाँ की हैं, अमेरिकन की। अब एक एग्ज़ाम में ये भी पूछता है कि जैसे जो विनर है वुमेन में सोफिया केनिन विनर हैं तो वो कहाँ की हैं, तो ये हैं अमेरिकन की। कैसे याद रखेंगे कि सोफिया केनिन कैन पढ़ रहा है तो लास्ट वर्ड अमेरिकन में क्या पड़ता है, कन, तो यहाँ से कन। तो याद रहेगा कि सोफिया जो केनिन है वो अमेरिकन की हैं। रनर अप कौन है, गार्बाइन मुगुरुजा। तो ये रनर अप है। आते हैं फ्रेंच में, फ्रेंच में इस बार कौन विनर है, राफेल नडाल। जानते हैं राफेल नडाल इस बार फ्रेंच ओपन जीते हैं, और ये फ्रेंच ओपन इन्होंने जब जीता है तो आप जानते हैं कि इस बार जो फ्रेंच ओपन जो राफेल नडाल ने जीता है वो 30th उनका 13वां ये फ्रेंच ओपन था। कौन सा फ्रेंच ओपन था, 13वां फ्रेंच ओपन राफेल नडाल का जो ये फ्रेंच ओपन है ये है 13वां उनका फ्रेंच ओपन था, 30th फ्रेंच ओपन। और ये फ्रेंच ओपन जो है 30th फ्रेंच ओपन राफेल नडाल ने इस बार खेला है जो अभी अभी हुआ है, ठीक है। और इसी अवार्ड को राफेल नडाल ने जीत की, इनके 20 ग्रैंड स्लैम हो चुके हैं, 20 ग्रैंड स्लैम इनके हो चुके हैं, और ये 20 ग्रैंड स्लैम जीत के ये किसके बराबर आ चुके हैं, ये आ गए हैं रोजर फेडरर के बराबर। किसके, रोजर फेडरर के बराबर आ चुके हैं, ठीक है, रोजर फेडरर के बराबर ये आ चुके हैं। ये अवार्ड जीत के 20 ग्रैंड स्लैम पूछेगा कि कौन इस बार का फ्रेंच ओपन जीता, राफेल नडाल, कौन सा 30th फ्रेंच था, 13वां था, और किसके बराबर आया, राफेल नडाल के। तो इस बार का ये इन्होंने जीता फ्रेंच ओपन, और राफेल नडाल ने जीता। अब विंबलडन आता है इसके बाद नंबर, ऑस्ट्रेलिया का फ्रेंच हो गया विंबलडन। आपको पता है कि विंबलडन जो है अवार्ड इस बार जो है नहीं हुआ है, क्यों, कोरोना की वजह से इस बार विंबलडन अवार्ड नहीं हुआ है। अब आते हैं यूएस ओपन पर। तो नहीं, वुमेंस में कौन जीता है, वुमेंस में ये अवार्ड जीता है ईगा स्वियातेक ने जीता है जो कि पोलैंड से हैं, ईगा स्वियातेक ने जीता है जो कि पोलैंड से हैं। अब ये अवार्ड ईगा स्वियातेक ने जीता है। अब इनको याद कैसे याद रखेंगे, ये पोलैंड की हैं तो आप ऐसे याद रखेंगे पोलैंड है तो इसमें पोलैंड में ऐसे पड़ेगा कि पोलैंड। अब जो ईगा वर्ड है गा उसको लेंगे तो पोगा, तो आप ऐसे रखेंगे पोगो, सो गो पढ़ सकते हैं। तो आपको याद रहेगा कि जो है ईगा स्वियातेक कहाँ की हैं, पोलैंड की हैं, उससे पोगो कहाँ की हैं, पोलैंड, पोगो उससे हो जाएगा। अब इसमें जो रनर अप थे फ्रेंच ओपन में वो अपने जोकोविक थे, और वुमेंस में कौन थी, सोफिया केनिन थी। यूएस ओपन में आइए, विंबलडन तो जो कि हुआ नहीं इस बार, तो यूएस ओपन में इस बार विनर कौन थे, मेंस में डोमिनिक थीम, और वुमेंस में कौन थी, नोआमी ओसाका। उसके रनर अप कौन थे, अलेक्जेंडर थे और सोफिया केनिन थी। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि ये तो हो गए आपके 2020 के, 2019 में जो अवार्ड हुआ उसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन में कौन जीता, उसको जीता था नोवाक
भी नोवाक जोकोविक, तुम्हारे इसको आप जानते हैं नोवाक जोकोविक में नोवाक जोकोविक, तो नाम मैंने शॉर्ट के लिए जो है इनका नाम डीजे रखा है क्योंकि इनके नाम में डीजे आता है, डीजे। तो पहला वार्ड जो 2019 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता किसने, डीजे ने जीता। फिर आया फ्रेंच ओपन, किसने जीता, राफेल नडाल ने जीता। फिर आया विंबलडन, फिर डीजे ने जीता। फिर आया यूएस ओपन, फिर राफेल नडाल ने जीता। अब आप देखिए 2019 का ये अवार्ड था, ये अवार्ड जो है 2019 का है, 2019 का ये अवार्ड है। और आप देखेंगे ध्यान से 2020 में भी कौन जीता, पहला अवार्ड ऑस्ट्रेलियन डीजे ने जीता। फिर कौन जीता दूसरा अवार्ड, राफेल नडाल ने जीता। फिर विंबलडन जो कि हुआ नहीं इस बार, वो हुआ नहीं, पर यूएस ओपन जो हुआ तो उसमें डोमिनिक थीम ने जीता। किसने जीता, डोमिनिक थीम। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 2019 में आप इसको नोट करते जाइए तो आपको ये शॉर्ट ट्रिक याद रहेगा। 2019 में जब पहला होता है ऑस्ट्रेलियन फ्रेंच विंबलडन यूएस 2019 में, तो उस समय पहले एक बार कौन जीतते हैं, जोकोविक है जिसको मैंने डीजे नाम दिया है, डीजे जीतते हैं। दूसरे में आते हैं राफेल जीतते हैं, फिर डीजे जीतते हैं, फिर आते हैं राफेल, ये 2019 का। फिर अगर आप 2020 का देखेंगे, फिर जो हुआ 2020 में ऑस्ट्रेलियन ओपन डीजे ने जीता, फिर किसने जीता, राफेल नडाल ने। फिर विंबलडन नहीं हुआ, ब्रेक लग गया, फिर किसने जीता, डोमिनिक थीम ने। तो ट्रिक ये है कि कभी भी इसे मान लीजिए ये ग्रैंड स्लम है, ये एक पार्टी है, तो पार्टी की शुरुआत कौन करता है, डीजे। तो सबसे पहले डीजे आता है। तो आप ये याद रखिए कि 2019 और 2020 में दो लोगों ने, दो मेन हैं, एक हैं आपके नोवाक जोकोविक, एक हैं राफेल नडाल, और एक हैं आपके रोजर फेडरर। तो रोजर फेडरर ने 2019 और 20 में उन्होंने कोई ऐसा अवार्ड नहीं जीता है, जो भी अवार्ड जीता है जोकोविक और राफेल नडाल ने। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2019 में पार्टी स्टार्ट हुई, तो पार्टी कौन स्टार्ट करेगा, डीजे। तो एक क्रम है, डीजे के बाद राफेल, डीजे के बाद राफेल नडाल, फिर डीजे, फिर राफेल नडाल। मतलब आपको ऐसे रखना, डीजे राफेल। फिर 2020 में जब फ्रेंच ओपन स्टार्ट हुआ, किसने जीता, फिर डीजे ने जीता, फिर राफेल ने जीता। फिर ये मतलब ये पार्टी जो है फ्रेंच तो चली, फिर क्यों, अगला अवार्ड क्या था, विंबलडन, ब्रेक लग गया तो पार्टी वहीं पर ख़त्म हो गई। तो उसके बाद जो पार्टी जब हुई यूएस ओपन की, उसको कौन जीता, डोमिनिक थीम जीता। तो पार्टी जो है इस पर पार्टी की नेक्स्ट जो थीम बनी डोमिनिक थीम, उसको ट्रिक याद रखने के लिए क्या बनी पार्टी की थीम, यूएस की थीम डोमिनिक थीम। तो ऐसे अवार्ड याद हो गया आपको, ऐसे रखना है डीजे राफेल नडाल 2019 का हो गया, 2020 में डीजे राफेल नडाल, और विंबलडन हुआ नहीं, ब्रेक हो गया। इसके बाद कौन जीता आपका, यूएस ओपन, वो जीता डोमिनिक थियम ने। तो ये हो गया आपका 2019-20 का वार्ड, आपको कुछ नहीं याद करना पड़ा। अब आपको यहाँ पर मैंने मेंस का बताया, और मेंस का मैंने आपको बताया है तो मैं आपको मेंस का अवार्ड का शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। ये तो मैंने बताया था आपको कि 2019 और 2020 में जो मेंस का अवार्ड हुआ है, क्या ट्रिक बताया कि पहले डीजे आएंगे, फिर राफेल नडाल, फिर डीजे, फिर राफेल नडाल, ये 2019 का है, बस यही जीता है और कौन जीता है। फिर 2020 में जब ये 2019 का है, फिर 2020 में क्या हुआ, डीजे आए, फिर राफेल आए, फिर विंबलडन इस बार हुआ नहीं तो पार्टी यहाँ ख़त्म हो गई। और इसके बाद डोमिनिक थीम ने ये यूएस ओपन, डोमिनिक थीम ने यूएस ओपन जीता।
यूरोपियन किसने जाता, डोमिनिक थियम ने। तो अगर आप ऐसे याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है, इसमें कुछ याद नहीं करना। पर आपको ट्रिक चाहिए तो ट्रिक आप ऐसे बना सकते हैं, 2020 का मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। ये ट्रिक है कि डीजे, डीजे ने स्टार्ट की, और डीजे मैं उसका नाम देता हूँ, डीजे डीजे को कुछ नाम होता है, डीजे राफेल। राफेल में वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि राफेल आपको वर्ड याद रहेगा, क्योंकि 2019 में राफेल के लिए कितना ज़्यादा बवाल हुआ आपने आपने देखा हुआ है। तो डीजे राफेल इसका नाम था, तो डीजे राफेल जो है कि डांस का ट्रिक है ये, डीजे राफेल के डांस का थीम था। थीम को आप पढ़िएगा थीम, ये थीम ही है, डोमिनिक थीम जो यूरोपियन जीते। थीम था क्या था, थीम डर। अगर आपको ये ट्रिक नहीं आती, पर ये ट्रिक बेस्ट है, डीजे राफेल डीजे राफेल डीजे राफेल, और यहाँ ब्रेक लग गया और डोमिनिक थीम जीत गए। थीम को ऐसे रखेंगे, यूएस में इस बार थीम थी, थीम मतलब थीम, थीम को आप ऐसे पढ़िएगा थीम, थीम को पढ़िएगा थीम आप। तो यूएस में जो थीम थी डांस की क्या थी, डोमिनिक थीम। तो आपको उससे याद रहेगा यूएस का। पहले बार आपको ट्रिक याद करना है 2020 का, तो आप ऐसे याद रखेंगे कि डीजे राफेल ने डांस की, कि डांस की जो थीम थी, डीजे राफेल ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते, ये जीते फ्रेंच ओपन, ये आपका ट्रिक है, और थीम डोमिनिक थीम ये क्या जीते, यूएस ओपन। अब ये डर क्या वर्ड है, डर ये वर्ड है आपका अलेक्जेंडर, ये वर्ड है आपका। आप देखेंगे कि यूएस ओपन में रनर अप को याद करने का तरीका मैंने बता रहा हूँ, ये है अलेक्जेंडर। तो उसको मैंने उसी ट्रिक में ले आया है कि आपको इतना ही याद रहे कि डीजे राफेल ने डांस की, कि डांस की थीम था डर। तो ये जो डर है, ये यूएस ओपन में विनर थे डोमिनिक थियम, तो उसके रनर अप कौन थे, अलेक्जेंडर। तो अलेक्जेंडर में अलेक्जेंडर में ये डर वर्ड मैंने यहाँ से लिया है, तो आपको ये वर्ड याद हो जाएगा। और आपको यदि इसके रनर अप को भी शॉर्ट ट्रिक से देखना है तो आप ऐसे बना सकते हैं, देखिए डोमिनिक थियम में जो डोमिनिक थियम थे वो ऑस्ट्रेलियन ओपन के रनर अप थे, तो डोमिनिक का डू वर्ड, डू मतलब ये डोमिनिक पढ़ेंगे दो, नोवाक जो थे आपके जो डीजे नोकोविक थे वो आपके रनर अप थे फ्रेंच ओपन में। तो नोवाक का नो दोनों, और विंबलडन हुआ नहीं, एलेक्जेंडर बने, तो एलेक्जेंडर जो थे आपके ये क्या थे, इनके वर्ड में है डर। तो ट्रिक क्या बना, ट्रिक ये बना कि दोनों डर गए, दोनों डू से डोमिनिक थीम, नो से नोकोविक, और डर से अलेक्जेंडर। तो आपका ये आपका रनर अप का ट्रिक है, किसका ट्रिक है, रनर अप का, रनर अप का ट्रिक है ये। तो आपको रनर अप जो है 2020 के वो याद हो जाएंगे। अब आते हैं वुमेंस पर, तो वुमेंस अवार्ड में आप देखेंगे तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है किसने, सोफिया केनिन ने। तो सोफिया में मैं वर्ड लूँगा सो, और इसका ये वर्ड लूँगा केनिन का के, सो के। फ्रेंच में कौन जीता, फ्रेंच में अवार्ड में जीता है आपका ईगा स्वियातेक ने। तो ईगा का वर्ड मैं लूँगा, ईगा को पढ़ूंगा, आएगा को पढ़ूंगा क्या, आएगा, IGA को पढ़ूंगा मैं, आएगा क्या, सो के आएगा। और वुमेन्स अवार्ड यूएस ओपन में कौन जीता, नोमी ओसाका।
तो सो की आएगा एन ए यू, इसको मैं लूँगा नाउ, तो ट्रिक बन जाएगा मेरा ये सो के आएगा नाउ में, ठीक है, सो के आएगा नाउ में, सो के सोफिया केनिन केनिन आएगा, तो हो गया ये आई जी ए नाउ में, तो नोआमी 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 ओसाका का ये नाउ, तो उसको पढ़ेगा आप नाउ, तो ये ट्रिक हो गया वुमेन्स का, वुमेन्स विनर का जीत है, ये विनर का ट्रिक है, वुमेन्स जो में जो जीती हैं ये आपका एस्टोनिया ओपन जीती हैं, आपका सोफिया केनिन जो ईगा वर्ड में जो आएगा वर्ड मैंने बहुत बनाया है ये जीती हैं आपका फ्रेंच ओपन, और नोआमी ओसाका जीती हैं यूएस ओपन। अगर आप अब इसके रनर अप को याद रखेंगे वुमेंस में तो कुछ नहीं है, इनके वुमेंस में आप रनर अप में देखेंगे तो क्या है गारबाइन म्यूगुरुजा, इनके रनर अप हैं जो क्या नाम है गारबाइन मुगुरुजा सोफिया केनिन, और सोफिया केनिन जो है आपके यूएस ओपन में भी हैं, सोफिया केनिन जो है सिर्फ एक बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीती हैं और दो बार रनर अप रही हैं, किसमें फ्रेंच में, उसके अगले बार फ्रेंच और यूएस ओपन में रनर अप रही हैं, तो आप ऐसे भी याद रखते हैं कि सोफिया केनिन जब पहला अवार्ड हुआ ऑस्ट्रेलियन ओपन उसमें जीता और उसके अगले दो अवार्ड में वो रनर अप रही, पर अगर आपको शॉर्टेज याद रखना है तो आप वुमेंस अवार्ड का जो रनर अप है उसको ऐसे याद रख सकते हैं, अवार्ड रनर अप अवार्ड रनर अप कौन जीता, तो जैसे मैंने बनाया ट्रिक सो के आएगा नाउ में, ये ट्रिक है वुमेंस का, तो आप इसको बना सकते हैं रनर अप का ताकि इसको आपको याद रहे, गा के सो क्या है गा के सो ट्रिक, तो गा के सो में आप देख सकते हैं गा वर्ड मैंने किसके लिए लिया है, गा वर्ड जो मैंने लिया है वो है गारबाइन मुगुरुजा के लिए, उसका वर्ड गा, और सोफिया केनिन का के, और फिर से यूएस ओपन कौन जीता सोफिया केनिन ने ही, सोफिया केनिन ने यहाँ भी जीता फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन का रनर अप रही, बस एक बार वो अवार्ड जीती है सोफिया केनिन वो भी ऑस्ट्रेलियन ओपन का, तो ट्रिक आपने देख लिया है, ये ट्रिक है, तो मैं आपको रिवीजन कर दूं 2019 की जो भी ट्रिक हैं 2020 के मेंस का, सबसे पहले तो आप ऐसे याद रखेगा कि मेंस में डीजे और राफेल जीते, फिर डीजे आए फिर राफेल, क्रम याद रखेगा ऑस्ट्रेलियन ओपन फ्रेंच ओपन विंबलडन और यूएस ओपन, डीजे राफेल डीजे राफेल, फिर 2020 में वही पार्टी स्टार्ट हुई, डीजे ने स्टार्ट की पार्टी और राफेल ये पार्टी की, फिर विंबलडन अवार्ड नहीं हुआ ब्रेक लग गया, तो यूएस ओपन किसने जीता डोमिनिक थीम ने, डोमिनिक थीम को हम पढ़ेंगे थीम, यूएस ओपन का थीम ट्रिक याद रखने के बोलेंगे यूएस ओपन का थीम, या फिर जो मेरा ट्रिक बताया है विनर को जीतने, विनर जो बने 2020 में उनके लिए, ये 2020 में जो विनर बने उनका ट्रिक है ये, कि क्या ट्रिक था डीजे राफेल के जो डांस का थीम क्या था, थीम था डर, डर किसके लिए एलेक्जेंडर के लिए, एलेक्जेंडर कौन जो कि यूएस ओपन में रनर अप रहे, तो डीजे राफेल के डांस का थीम था डर, इससे याद होगा, और ये 2019 का है इसमें याद ही करनी नहीं है, डीजे राफेल ऐसे करना है ये आपको याद हो जाएगा, फिर 2020 में जो वुमेन्स अवार्ड हुआ, अगर आप 2020 में वुमेन्स अवार्ड देखें तो वुमेन्स अवार्ड चूँकि 2020 में हुआ उसकी विनर, तो विनर का मैंने ट्रिक बताया था अभी आपको क्या, सो के आएगा नाव में,
सो के आएगा नाम है। सो के किसके लिए मैंने बोला था, सो के सोफिया केनिन, पहला वार्ड ऑस्ट्रेलियन ओपन आएगा, AGE जो फ्रेंच ओपन जीती हैं, नाओ में नोआमी, नोआमी ओसाका नाम है उसको, नाओ में बोला है, तो ये इन्होंने US ओपन जीता। ठीक है, अब इनके जो है रनर अप का मैंने अभी बताया था, रनर अप जो है वुमेन्स अवार्ड का उसका ट्रिक बताया था, गा के सो, तो गा वर्ड मैंने बताया था, गा के सो ट्रिक है, गा के सो, तो गा से गारबाइन, के से सोफिया केनिन और सोफिया केनिन दोनों वार्ड, सोफिया केनिन जो है बस एक बार ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन्स अवार्ड जीती, उसके बाद दोनों जो अगले नेक्स्ट अवार्ड है उसमें वो रनर अप रही। अब आते हैं अपने अगले सेगमेंट पर, तो इसमें आप देखेंगे कि किस तरह जो है अवार्ड 2020 का यहाँ पर पढ़ा गया। 2020 का मैंने सारा अवार्ड आपको बता दिया कि मेंस में विनर, मेंस में रनर अप, वुमेंस में विनर और वुमेंस में रनर अप, ये अवार्ड आपको याद हो गया। मैंने आपको ये बताया कि किस तरह जो है सोफिया केनिन ने फ्रेंच ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता, उसके बाद सोफिया केनिन ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता और कहाँ किया, अमेरिकन की, कैसे रखेंगे, कैन आया अमेरिकन, जो ईगा स्वेतक है इनको कैसे याद रखेंगे पोलैंड की, पो गा तो पोगो हो जाएगा। अब नोआमी ओसाका, तो ओसाका, ओसाका जापान, ये तो नाम आपको याद हो जाएगा, ओसाका जापान की है नोआमी ओसाका। अब आपको याद रखना है कि जो मेन मेन लोग हैं वो कहाँ के हैं, ऐसे हम मान लेते हैं कि मेन जो है सबसे पहले मान लेते हैं आपके जो है डीजे, डी डी ये डीजे कौन है, ये आपके नोवाक डीजे। अब ये कहाँ के हैं, ये हैं आपके सर्बिया के, ये सर्बियन कहते हैं, जो नोवाक जोकोविक हैं, जोकोविक वो सर्बिया के हैं। अब नोवाक जोकोविक में जो को तो डीजे में नाम मैंने रखा है, तो डीजे क्या है, डीजे सर हैं, डीजे सर, आपको ऐसे याद रहेगा कभी भी कि नोवाक डीजोविक कहाँ के हैं, तो सर से सर्बिया, डीजे सर, ये वर्ड आपको याद करना चाहिए। अब आएंगे आपके दूसरे जो है वर्ड, राफेल, राफेल, अब ये कहाँ के हैं, ये राफेल हैं स्पेन के, जो राफेल नडाल हैं वो स्पेन के हैं। अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो राफेल अवार्ड, राफेल नडाल कहाँ के हैं स्पेन के, तो आपको पता है कि राफेल जो है 2019 में जो है राफेल जो विमान समझौता हुआ था, जो हम लोग को एयरफोर्स में ये राफेल हमारे इस साल आया है, इससे राफेल के लिए कितना पेन हुआ है, इंडिया में आने के लिए पेन कितना देना पड़ा है, तो पेन वर्ड से आप याद रख लेंगे, जब भी राफेल आया कहाँ के हैं, स्पेन के, राफेल से स्पेन आपको याद हो जाएगा। थर्ड आपकी इम्पोर्टेंट है जो पूछ सकता है, रोजर फेडरर, रोजर फेडरर, ये भी 20 ग्रैंड स्लम जिस 20 ग्रैंड स्लम जीत चुके हैं और इन्हीं राफेल नडाल ने इन्हीं की बराबरी की है, तो रोजर फेडरर जो हैं आपके हैं कहाँ के, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड।
अब इसको कैसे याद रखेंगे, कहाँ कहीं ये, तो आप ये जानिए इसकी ट्रिक। रोज रोजर में ऐसे आप पढ़ेंगे, रोज रोज सब लोग कहाँ जाना चाहेंगे, स्विट्जरलैंड, लैंड अपनी भूमि पर जाना चाहेंगे। रोज लोग अपने रोज लोग कहाँ जाना चाहते हैं, अपनी भूमि पर। तो भूमि से लैंड आया और स्विट्जरलैंड आपको याद आ जाएगा। जब भी रोजर आएगा तुरंत आपको रोज लोग कहाँ जाना चाहते हैं, अपने लैंड पर, उससे स्विट्जरलैंड याद रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका जो मैंने आपको बताया है, इससे आपको यदि कभी भी नाम पूछता है तो वो आपको नाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपको ये कि रोजर फेडरर कहाँ के हैं ये मैंने बता दिया, राफेल नडाल कहाँ के हैं ये बता दिया, और जो कोई कहाँ के हैं मैंने ये बता दिया। तीन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं ये बता दिया। एक डोमिनिक थीम का भी आप याद रख लीजिए, डोमिनिक थीम का, क्योंकि डोमिनिक थीम जो है उन्होंने क्या जीता है, इस साल का यूएस ओपन जीता है, तो उनको याद रखना जरूरी है, डोमिनिक थीम। अब डोमिनिक थीम है आपके कहाँ के, ऑस्ट्रिया के हैं, इनको ऑस्ट्रियन कहते हैं, तो ऑस्ट्रिया के हैं। अब इनको कैसे याद रखेंगे ये कहाँ के हैं, तो डोमिनिक, जब भी वर्ड आया डोमिनिक तो लोग जो है मिनिक, मिनिक से याद आएगा पिकनिक, पिकनिक मनाने कहाँ जाते हैं लोग, ऑस्ट्रिया। डोमिनिक से वर्ड याद आना चाहिए पिकनिक, पिकनिक मनाने लोग कहाँ जाते हैं, ऑस्ट्रिया। या फिर एक चीज़ और ऐसे आप कि डोमिनिक की तो एस थी यूएस ओपन जीत के, और डोमिनिक थीम जो यूएस ओपन जीते हैं उनकी इस एस थी, एस से ऑस्ट्रिया, आपको ये वर्ड याद आ जाएगा। तो आपको याद आ जाएगा वो कहाँ के हैं, ऑस्ट्रिया के हैं, कहाँ के हैं, ऑस्ट्रिया के। अब इसमें से आप जाने कि जो वर्ल्ड रैंकिंग बनाई जाती है कि कौन फर्स्ट पर है, कौन थर्ड पर है, कौन फोर्थ पर है, जो जो वर्ल्ड रैंकिंग है टेनिस फेडरेशन जो बनाता है, उसमें नंबर वन रैंक पर हैं आपके कौन है, जोकोविक हैं, डीजे। ये डीजे हमेशा नंबर वन पर आएंगे, 2019-2020 में ये नंबर वन पर आए, ये 2019-20 में लगातार जीत रहे हैं। सेकंड पर कौन आएंगे, सेकंड पर आपको पता है कि कौन आ जाएंगे आपके, राफेल नडाल, राफेल नडाल आएंगे। थर्ड पर कौन आएंगे, क्योंकि डोमिनिक थीम जीते हैं इस बार, तो थर्ड पर वो आ जाएंगे डोमिनिक थीम। और फोर्थ पर आपके चल रहे हैं रोजर फेडरर, और रोजर फेडरर जो हैं आपके फोर्थ पर चल रहे हैं। तो आपको मैंने क्या क्या बताया कि पूछता है कि ये प्लेयर कहाँ का है, तो मैंने वो ट्री बताया। वो पूछता है इसमें से कि फर्स्ट रैंकिंग, सेकंड रैंकिंग, थर्ड रैंकिंग कौन कौन है, तो मैंने आपको ये बता दिया। और इसके अलावा अब क्या बन सकता है, मैंने 2020 का आपको मेंस वुमेंस का जो है, जो भी मेंस वुमेंस में अवार्ड हैं, विनर हैं उनके और रनर अप हैं, उनको शॉर्ट ट्रिक मैंने बता दिया है, कुछ नहीं है। मेंस में तो आपको मैंने बताया था डीजे, राफेल, ब्रेक लगा, फिर ब्रेक लगने के बाद विंबलडन हुआ नहीं, तो इस बार डोमिनिक थीम यूएस ओपन जीते हैं। लास्ट कौन सा, यूएस ओपन, तो थीम क्या थी, यूएस ओपन की डोमिनिक थीम, ऐसे याद हो जाएगा आपका। यहाँ पे जो मैं शॉर्ट ट्रिक बताया था आपको उससे, वुमेन्स अवार्ड भी मैंने बताया कि सोफिया केनिन जीती ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, इगा स्वियातेक, और थर्ड यूएस ओपन नाओमी ओसाका। तो ये आपको इससे याद हो जाएगा कि रनर आप देख लीजिएगा, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप 2019 में मैंने बता दिया है, डीजे राफेल जीते, डीजे फिर राफेल, फिर डीजे फिर राफेल, जो 2019 का मेंस अवार्ड था जो मैंने बताया था। और रनर अप पर नहीं जा सकते हैं 2019 के, पर वो वुमेंस अवार्ड जरूर पूछेगा 2019 का वुमेंस अवार्ड। तो 2019 के जो वुमेंस अवार्ड है, रनर अप पर नहीं अगर जाएंगे तब भी ये पूछ सकता है अवार्ड वो रनर अप का। तो रनर अप का आप नोट कर लीजिए, वैसे पूछने के चांस कम है।
मैं आपको वुमेंस अवार्ड जो हुआ है उसको याद करने का ट्रिक बता देता हूँ दो का। तो आपने देख रहे हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है 2019 में किसने जीता, नाओमी ओसाका ने। पहला अवार्ड ऑस्ट्रेलियन ओपन 19 का इन्होंने जीता, और 2020 का यूएस ओपन जो सर हुआ लास्ट अवार्ड इन्होंने जीता। फिर फ्रेंच ओपन जीता एसली बार्टी ने, किसने जीता एसली बार्टी। फिर विंबलडन किसने जीता, सिमोना हालेप इन्होंने जीता। और लास्ट यूएस अवार्ड यूएस ओपन किसने जीता, बियांका एड्रेस्कू। अब इसको ट्रिक क्या है ऐसे याद रखेंगे, नोआमी ओमी वर्ड आया ना, ओमी ओमी नोआमी ओमी ओमी ने ओमी ने एस एस का ऐसे रखेंगे एस, ओमी ने एस की क्या की, एस एस कैसे की, मोना सिमोना का मोना मोना, और बियांका एंड्रेस्क्यू, तो ड्रेस वर्ड आ रहा, तो ये ड्रेस पहन के, तो ओमी ने एस की कैसे, एस की मोना का ड्रेस पहन के, ओमी ने एस की मोना का ड्रेस पहन के। ड्रेस वर्ड है एंड्रेस्क्यू के लिए, मोना है सिमोना के लिए, एस है एसले बार्टी के लिए, और ओमी वर्ड है नाओमी साका के लिए। तो ये 2019 के वुमेन्स का जो विनर है उनका ये शॉर्ट ट्रिक है, और आप इनके जो रनर अप हैं आप उनको दे सकते हैं। तो रनर अप में ज़्यादातर इम्पोर्टेंट सेरेना विलियम्स हैं, क्योंकि ये वुमेन्स में अवार्ड में सबसे ज़्यादा मतलब इनका नाम है सेरेना विलियम्स का। तो ये आप इनको याद रखिएगा कि यूएस ओपन में जो वुमेन्स अवार्ड था उसकी रनर अप थी सेरेना विलियम्स, ये यूएस ओपन में भी रही और विंबलडन में, तो आप इसको याद रख सकते हैं इतना, यही आपको पूछेगा। और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि 2019 में अवार्ड पहले स्टार्ट किसने किया, डीजे ने मेंस में, तो उसके रनर अप कौन थे, राफेल नडाल। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जब जिस समय डीजे जीते हैं उसमें उसका रनर अप कौन रहा, राफेल नडाल। अब जब राफेल नडाल जीते तो डोमिनिक थीम जीते, तो डोमिनिक थीम यहाँ से 19 से स्ट्रगल कर रहे थे, लास्ट में 2020 में यूएस ओपन जीते हैं इस बार। फिर डीजे जीते तो रॉजर फेडरर रहे आपके, रॉजर फेडरर सिर्फ यहीं 2019 में रनर अप ही रहे, कोई अवार्ड नहीं जीत पाए। फिर आए राफेल नडाल, फिर आपका बस एक जो है डोनिसिल मेडिडियो जो है इन्होंने ये रनर अप रहा है। तो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको ये पूछा था इस बार कि यूएस ओपन जो है 2019 से किसने जीता, तो आपको राफेल नडाल मैंने सर ट्रिक बताया है, तो आपको ये याद रहेगा। अब आप मैंने आपको सब कंक्लूड कर दिया है कि 2019 में अवार्ड और 2020 में मेंस में वुमेंस में सिंगल, मेंस सिंगल वुमेंस सिंगल कि विनर का, मेंस वुमेंस सिंगल के रनर अप का, 2020 का आपको शॉर्ट ट्रिक बता दिया, 2019 के भी मेंस का शॉर्ट ट्रिक बताया, 2019 के ही वुमेंस का शॉर्ट ट्रिक बताया, 2019 के मेंस और वुमेंस के शॉर्ट ट्रिक विनर हैं उनको बताया क्योंकि वो आ सकते हैं, 2020 के मेंस वुमेंस के विनर और रनर अप को बताया क्योंकि उनके आने की चांस है। अब ये मैंने बहुत ही आसान तरीके से बता दिया है। अब चलिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया इसको ज़रूर लाइक कीजिए, आपके लाइक की मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, आपके लाइक से ही मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करता हूँ। तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँच सके। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जय हिंद।